नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में जी। आज है हमारे भाई का तिलक। आप लोग के साइड पता है तिलक समारोह होता है कि नहीं? हमारे इधर जी बिहार में देखा है कई लोगों के यहाँ तिलक समारोह होता है। हम लोगों के यहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी नाम का इस तरह का नहीं होता हम लोगों के यहाँ। तो तिलक होने वाला है जी, तो चलते हैं अंदर जी। अभी हम लोग चल रहे हैं दुकान, हमारे फूफा जी हैं साथ में, और उधर सामान आ चुका है जी, जो भी शादी का सामान सब है, जनरेटर और ये सब जो भी, तो वहाँ उतर रहा है। चलते हैं वहाँ पर, बाकी बहुत सारा काम है। इधर ही तैयारी होने वाली है आप तिलक समारोह की। अभी इसको और भी थोड़ा सजना है, प्रॉपर नहीं हुआ है, वह जनरेटर सब आ गया, सारा व्यवस्था हो रहा है। और इधर खाना सबका व्यवस्था है जी, इधर बड़े पापा देख रहे हैं, सारी निगरानी कर रहे हैं, इधर काम चल रहा है। दाल चल रही है लेके, किधर है उसमें है। और बाकी दाल का क्या किया जाएगा? पी लो मम्मी, भगवान पी लो एक बार। हमको दाल तो वैसे भी डॉक्टर मना किया है, पहले से भी नहीं पसंद है, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया तो मैं बहुत खुश हूं। हम तो चावल सब्जी मस्त होके खाए। बाकी जिया को पीना है, जिया पी लो दाल। हां तो हमारी बहन आ गई है जी अंशु, ये हमारी बुआ की लड़की है। और जिया का नींद जो है अब पूरा हो चुका है। सोए कहां? नहीं सोए। अच्छा, हमारी बुआ जी यहां पर आ चुकी हैं, खूब खुश रहिए। जो भैया नहीं बुलाए, भौजाई भतीजा बुलाए, हम आए मोटर चारी है। क्या आप भी रोज कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ सीख के, कुछ करके? तो हमने भी कुछ अभी नया नया कुछ सीखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं भी अपने व्यूवर से चाहती हूँ कुछ शेयर करूँ। तो एक पंखुड़ी ऐप है जिसको मैंने डाउनलोड किया है, उससे मैं डेली कुछ सीखती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पति को खाने पीने का बहुत शौक है, तो पहले मुझे उतना कुछ आता नहीं था बनाने के लिए। जब से ये पंखुड़ी ऐप आया है तो मैं यहाँ पे खाना बनाना भी सीखती हूँ, बनाती भी हूँ। और यहाँ पे ऐसा होता है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए होता है, और भी जगह ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो देख के यूट्यूब पे देख लूँ, इधर उधर देख लूँ और सीख सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है एक पंखुड़ी ऐप पे कि आप वहाँ पे जो भी आप नहीं समझ पा रहे, कुछ कुछ वीडियो में ऐसी चीज़ें होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। आप बहुत सारे नए फ्रेंड भी बना सकते हो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जैसे कि हमने भी बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स बनाए। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बातें करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप भी जाए, टच करें, पंखुड़ी ऐप को डाउनलोड करें और हमसे बातें करें जी। अभी चल रहे हैं जो पूजा का कलश स्थापन में, वो सब आम का पल्लो था और जो भी चीज़ चढ़ाया गया था, फूल पत्ती ये सब, इन सभी को नदी में जा करके विसर्जित करेंगे। तो चलते हैं अपने भांजे को साथ में लड़े। लड्डू चलो, बस एक को जाना है, तीन को नहीं। तीन को आएंगे हम। अच्छा तीनों आएगी, ठीक है, वीडियो में तीनों आ जाओ। अच्छा, और यहाँ पर ये जा रहा है हमारे साथ, क्या करने जा रहा है? लड्डू नदी में फेंकने चल रहा है, तो चलो नदी के पास फेंकने जा रहा हूँ। हाँ जी, तो जाओ सबको पानी विसर्जित कर दो, प्लास्टिक को इधर ही रख देना, उन सबको फेंक देना जी। इसने फेंक दिया है, अब चलते हैं। ओप्पा जी, अब करने वाले हैं चढ़ाई। अरे सुल्तान, कर दे चढ़ाई, कर ले चढ़ाई। ओ भाई, ओ भाई, मालूम है फिसल सकता है। और यहाँ बकरियों का फेंटिंग चल रहा है। चल, हो गया जी, हो गई थोड़ी पेट पूजा, और उसके बाद बुआ जी अपनी पूजा करने पर लगी हुई है। और कौन सी पूजा है देख सकते हैं, पान सुपारी खा रही है, तो बुआ पान के बिना रह नहीं सकती है। तो जैसे ही इनका पान का कोटा खत्म हो जाता है, हम लोग को हाई अलर्ट जारी हो जाता है कि क्या पान ढूंढ के लाना है। हमारा काम है कोई भी जग में सिलाई जरूर करना पड़ता है, आदमी इतना लाख 10 लाख खर्चा कर देता है, लेकिन ब्लाउज सिलने के लिए मेरे लिए रखता है। और मम्मी जो है अपना शायद सिलाई का एक बार बीच में कारोबार भी स्टार्ट की थी, उसमें इतना मेहनत नहीं होता जितना यहाँ मेहनत होता है। ये वाला जो प्रथा है खत्म करो। हाँ, इस बार ये प्रथा खत्म कर देंगे। दीदी भी ने कहे कि इस बार हमें एक महीना लगे, लेकिन सारा कपड़े इसका सिल के जाएगा।
अभी आए हुए हैं मार्केट, जिया को अपना ब्लाउज लेना था, उसने यहाँ पर अपना सिलवाने दिया था और भी कुछ कुछ बचा हुआ है लेकिन वो बाद में सिलेगा, तो अभी जितना भी काम हो चुका है वो ले घर के चलेगी। इस पे लड़की का संदेश जाएगा, खाजा टिकरी लड्डू मिठाई चूड़ा दही सब, लड़की वालों के लिए संदेश जा रहा है। हाँ, लड़की का शगुन का भीड़ सब कर रही है। क्या हो रहा है? बीर करनी सब बीर कर रही है। इसमें शगुन होता है, रुपया दीजिए। अच्छा, चाची से वही दान पुण्य करती है तब न बढ़ेगा। यहाँ पर पंडाल लग चुका है जी, और यहीं पर जी तिलक का कार्यक्रम होगा, जो भी पूजा सब होती है जी। उसके अलावा जी यहाँ पर जो है ठीक छत के बगल में जो खाली जमीन है वहाँ पर टेंट लगा हुआ है, वहीं पर रसोई का व्यवस्था है, वहीं पर खाने पीने का व्यवस्था है, और पूजा होने वाली है शायद 7:30 बजे, तो उसी समय आएंगे लड़की वाले। और तब तक जी हम भी जा करके थोड़ा तैयार हो जाते हैं, थोड़ा चेहरा सब धो लेते हैं। अभी कुछ देर पहले शेविंग करवाया है, क्लीन शेव पूरा नहीं करवाया, ट्रिम करवाया है हमने, क्योंकि क्लीन शेव जब करवाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। आप में से कई लोग का कमेंट भी आता है और हमें भी ऐसा ही फील होता है, लेकिन जी ट्रिम जरूर करवा लिया है क्योंकि यह एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगा, और जब हम शेव करवाते हैं तो उसको नॉर्मल होने में अच्छा खासा समय लग जाता है, कम से कम 5-6 दिन लग जाता है, तब तक तो शादी ही आ जाएगी, तो इसलिए जी ट्रिम करवा ली है। अब चलते हैं। हम अपन देखा। पूरा अंत तक गद्दा बिछा। आप क्या कर रहे हैं पापा? ये इसमें ये कपड़े लपेटे जा रहे हैं। अच्छा, तुम क्या कर रही है? घूम रहे हैं। खा इतना परेशान? अरे हम परेशान हैं क्योंकि तुम्हारे डैडी परेशान हैं, इसलिए हम परेशान। अच्छा, पिंटू भी हमेशा चिल्ड रहते हैं। जी अब ऊपर में सभी गेस्ट के लिए गद्दा बिछा रहे हैं जी, कुछ गद्दा तो आ गया है और भी कुछ गद्दा लेने जाना है, चलिए लेते हैं। अनु एकदम एक बार में पहचान गई कि मेरे गांव से गाड़ी आ रही है। यहाँ कौन सी गाड़ी है आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे चाचा आए हुए हैं। हमारी एक और चाची जी आ गई है पूरे परिवार के साथ, निशा और निधि, चाचा जी उधर है। अब चल रहे हैं जी, जो भी सामान था नाश्ते का, जो भी भोजन का था, वह सब लाने जा रहे हैं। और मालूम चला है कि लड़की पक्ष वाले सब जो है 4 बजे अरड़िया से चले हैं, तो उम्मीद है कि शायद 6:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। जो नाश्ते वाले ने उन्होंने कहा है कि ये आपको 5:45 तक में हम पूरा काम करेंगे, लेकिन हम लोग पहले से ही पहुँच जा रहे हैं ताकि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा तो समय पर देगा वह, तो अच्छा रहेगा। यह चलते हैं। जी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर और पीछे नाश्ता पैक हो रहा है जी। जी सारा सामान तो डल गया है, अब सारे डब्बे को बंद किया जा रहा है, तो जल्दी से सारा डब्बा बन जाए उसके बाद हम लोग निकलेंगे, समय भी थोड़ा होता जा रहा है। जी अभी हम खड़े हैं ओनर के साथ, उन्होंने कहा कि एक कटलेट आप टेस्ट कर लीजिए, तो कर लेते हैं जी, देखते हैं कैसा बना है। तुम पहले थोड़ा बताओ कैसा, हम भी एक ले लेते हैं। अच्छा सही है, थैंक यू उनका जो एक सैंपल दे दिया टेस्ट करने के लिए। जी हमने तो सोचा था कि सारा पैकिंग हो चुका है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत मामला जो है थोड़ा हड़बड़ी वाला हो चुका है। मालूम चला है कि वो लोग पूर्णिया से निकल चुके हैं, तो पूर्णिया से यहाँ तक आने में मुश्किल से आधा घंटा का समय है, तो आधे घंटे के अंदर ये सारा डब्बा लेकर के जाना है, मिठाई सब भी लेकर के जाना है, तो मिठाई के लिए लगता है एक राउंड और लगाना पड़ेगा हमें।
कोई बात नहीं, चलता रहता है सब फंक्शन सब में। सारा सामान हो गया पैक और अब सारे सामान को रखने गाड़ी में, जल्दी से यह पैक होगा फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। जी हो गई सारी पैकिंग और सारा सामान जो है गाड़ी में डल गया है, और क्योंकि अब समय हो चुका है जल्दी से चलते हैं, हमें पान भी लेना है, एक दुकान में पान भी पैक करने के लिए दिया हुआ था, तो चलते हैं। जी अभी थोड़ा अंधेरा होगा, माफ़ कर दीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि एक भी मोमेंट आप लोगों से मिस नहीं हो, इसलिए अंधेरा हो या रोशनी हो मैं बस रिकॉर्ड करता रहता हूँ। और हमारी भाई की एक याद भी है, एक मेमोरी भी है, इसीलिए सब कुछ रिकॉर्ड करते भी जा रहे हैं। तो चलते हैं जी, वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, मोलू इधर बैठा हुआ जी। अब यहाँ से ले रहे हैं पान, यहीं पर पान दिया था ऑर्डर करने के लिए, बड़ा ही फेमस दुकान है गुप्ता पान भंडार, जो भी इस पार के होंगे मिर्जावारी साइड के उनको ध्यान होगा इनके बारे में, जरूर एक ना एक बार आए होंगे जो भी पान खाने के शौकीन है। पानी रखा हुआ है, काला है, पीला है, हाँ। मीठा है, चूना भी दे दिए, जो चूना खाएगा, सिक्की चाहिए सिक्के भी दे दिए है। सिक्की कैसे होगा, आठ लेना है जी, हमने ले लिया है पान, अब जल्दी से चलते हैं घर। जी हम लोग पहुंच गए घर, जो लड़की वाले पक्ष है वो सब आ चुके हैं, सामान यहाँ पर उतर रहा है, तब चलते हैं ऊपर जल्दी से, हम सोचते हैं ड्रेस भी चेंज कर ले क्योंकि समय भी नहीं मिल रही है। ये माही इसको भूख लग रही है, भूख लग रही है इसको, मेरे को भी लग रही है, तुम्हें भी लग रही है, इतनी देर इतनी सी लग रही है और इसको इतनी बड़ी, और वो कहाँ है बदमाश, अंदर अंदर है जी। हमने भी अब अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, मेरा भी लो फोटो, बहुत काम करवाता है तू। हां सुनो, यहां से रुको, यहां से, यहां से, यहां से, देख देख देख, शुरुआत तो वहां से हो गया है, अब तुमको भी ले लेते हैं, यहां पे फोकस करो, एक ले जा ऐसा, आई है वैली ये संदेश तैयार हो रहा है जी, चुटिया एक तरफ इधर संदेश तैयार हो रहा है, एक तरफ उधर तैयार हो रहा है, तो बाकी कुछ उधर पैक हो करके रखा है, नाम ही बोले। अच्छा ये नैन्सी दीदी ने पैक किया है, हाँ। वो विनोद चाचा ने पैक किया है, उधर का कौन पैक किया है, सभी लड़की पक्ष वाले आ चुके हैं, हमें तो थोड़ा देरी होगी आने में, इसी काम काज में व्यस्त है, चलिए उन लोग से आप लोग को मिलवाते हैं।